पॉइजन रेशियो के अंदर ये इसमें कंसिडर किया गया है कि अगर आपके पास एक वायर है, हमने वैसे पूरा चैप्टर कर दिया लेकिन ये चीज़ आपके माइंड में आएगी नहीं मुझे पता नहीं, आपके पास एक वायर है, आपने वायर पे फोर्स लगाई, वायर लंबी हो गई, वायर में लेंथ इंक्रीज हो गई, तो भाई रेडियस जो डिक्रीज हुआ वो तो निगलेक्ट ही कर दिया। पूरे चैप्टर में रेडियस का डिक्रीज लेते ही नहीं है, सिर्फ लेंथ का लेते हैं इंक्रीज, जबकि प्रैक्टिकल क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि वायर पतली होती जाती है। अगर दोनों चीज़ें कंसिडर करें तो वो कह रहे हैं कि इसमें लेंथ भी चेंज हो रही है डेल्टा एल और डायमीटर चेंज हो रहा है डेल्टा टी। तो एक्चुअल में स्ट्रेन दो टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, और लेटरल स्ट्रेन का मतलब डायमीटर का जो स्ट्रेन है उसे लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं डेल्टा डी बाई टी। पर यह साइन नेगेटिव साइन के साथ है क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा, और इसकी रेशियो को लॉन्ग लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की रेशियो को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। तो जिन प्रॉब्लम में आर और डायमीटर और लेंथ दोनों चेंज हो रही हैं उनके अंदर आपको ये यूज़ करना पड़ता है, तो जब आएगा तब की तब देखेंगे, रिक्वायरमेंट वैसे कम ही रहती है इसकी। ये चार फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो का रिलेशन है। यंग्स मॉडुलस रिजिडिटी और सिग्मा का रेशियो है, पॉइजन रेशियो, ये चार फॉर्मूलाज हैं। आप कहोगे सर आपको याद है, नहीं मेरे को याद नहीं है फॉर्मूलाज, तो हम याद करें, बिल्कुल करें, मेंस और नीट ने डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रखे हैं, इसके प्रूफ भी नहीं है किताब में, तो वो ऐसी चार ऑप्शन बना के दे देगा। ये तो मैंने खुद देखा है, 9 by y = 3 by eta 1 plus 1 upon k, ये तो मेरे को फिर भी याद है। तो ये इसके ऊपर तो आपको ऑब्जेक्टिव दिखेंगे नीट और मेंस के अंदर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मूले देख के जाना ये वाले, ठीक, यूज नहीं इसके, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं आते, कुछ नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स।